पूरी तरह जो कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है। हमारे साथ है सोशल वर्कर है जम्मू से, लगातार इस पूरे मामले पर वो बात भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि मामला जो है वो सुलझ जाए। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जीके में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इस वक्त हम 5 बड़े अस्पतालों की बात कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही शहर के बीचों बीच सामने आ रही है जहां पर लाखों की आबादी को नुकसान इससे पहुंच रहा है? क्या लगता है कि जमीनी सतह पर जो प्लान तैयार किया गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू प्रशासन की तरफ से, वो सफल सिद्ध नहीं हुआ, या प्लान जो बनाया गया एग्जीक्यूट करने में नाकाम 5 बड़े अस्पताल हुए हैं? जहाँ पे बायो वेस्ट की बात करते हैं हम, तो हमारा जो SMGS हॉस्पिटल है, SSH हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बक्सी नगर है, जहाँ पे इसको बायो वेस्ट को वेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए थे, शायद उसको इंसुलेटर बोलते हैं, चिमनी टाइप जो होती है जी, तो वो काफी सालों से लगा हुआ है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शायद किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे चुके हैं वो लोग जी। तो अब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इनको शो काज नोटिस आया है और ऐसे नोटिस इनको कई बार आते रहते हैं। अब जब बरसात का मौसम है, डेंगू भी फैलने का इस सीजन है, तो जो सूर्यपुत्री नदी है हमारे यहाँ पे, और इसका जो डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बीच में है, और जो वेस्ट होती है बरसात के दिनों में, खासकर मैं बात करूं तो वो तवी नदी में चली जाती है, और उसी तवी नदी का पानी साफ करके लोगों को मुहैया करवाया जाता था, और ये बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है, और इन के कानों में जून तक नहीं रेंगती है, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। सोमनाथ जी, ये तो एक तरफ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पानी जो 1 लाख से ज्यादा की आबादी तक पहुंचता है तवी नदी का, वहां पर महकमा जल शक्ति की तरफ से भी प्लांट लगाया गया, तो वो भी इस मामले में कभी नोटिस उसने नहीं लिया, या कोई और रीजन रहा उसके पीछे? नहीं नहीं, रीजन कोई नहीं, आपस में मिली भगत होती है, जैसे मैंने इंसिनेटर की बात की, कॉन्ट्रैक्टर चलाता है, हो सकता है बिल भी निकल जाता होगा, ऐसा ही सिस्टम हर जगह पे जहाँ पे है, और जो इन्होंने पानी साफ करने का भी एक प्लांट लगाया है, वो भी सफेद हाथी ही साबित हो रहा है, वो इंसिनेटर की तरह जो मेडिकल कॉलेज के बाहर रोड का क्रॉस करते ही वहां पे लगाए, जो पानी साफ करके नदी में जाता है, तवी में जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी अपनी बात रखने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। और बात जब जम्मू के अंदर हो रही है, तो बड़े अस्पताल खासतौर से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहां से बायो वेस्ट जो होता है सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, 3 अस्पताल जो बहुत करीब हैं और बड़ी तादाद में यहां से जो कचरा निकलता है उसका, जो खुद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी है, जिसे लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था, और तवी नदी जहां पर 1 लाख से ज्यादा की आबादी जो इस पर इनसार करती है, पीने का साफ पानी महकमा जल शक्ति की तरफ से यहां तो पहुंचाया जाता है, लेकिन इस मामले में महकमा जल शक्ति की तरफ से भी तवी नदी पर जो प्लांट है जहां से पानी पहुंचाया जाता है, कभी नोटिस लेने की बात नहीं सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लगातार नोटिस आने के बावजूद भी महकमा सेहत की तरफ से जो है वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, और जम्मू के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो हम आपके सामने जी रख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बलविंदर सिंह जी भी हैं, बहुत शुक्रिया बलविंदर सिंह जी, RTI एक्टिविस्ट हैं, जम्मू से हमारे साथ हैं। आज हम बड़े 5 बड़े अस्पतालों की बात कर रहे हैं जहां पर बायो मेडिकल वेस्ट का जो बार बार जिक्र हमारे सामने आता रहा है, ये रिपोर्ट्स भी कई बार तैयार हुई, बावजूद इसके लिए कोई डंपिंग साइट माकूल इंतजाम नहीं हुआ, या फिर डिस्पोज करने के लिए कोई भी कदम अभी तक 5 अस्पतालों की तरफ से या प्रशासन ने अभी तक नहीं उठाया, क्या बुनियादी वजह है? आप जमीनी सतह पर इसे लेकर काम भी करते हैं बलविंदर जी। देखिए, जब जब हॉस्पिटल वालों से इन चीजों के बारे में पूछा गया, एक तो क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी नहीं रही, एक तो ये हमेशा वो ये कहते रहे कि हमारे पास फंड्स की कमी रहती है जी। देखिए, इसके लिए जो जरूरी चीजें इंसिनेटर वगैरह लगाने होते हैं, जो ऑटोक्लेव चाहिए होते हैं, जो माइक्रोवेव सिस्टम चाहिए होते हैं, वो भी हॉस्पिटल में पूरी तरह इंस्टॉल नहीं किए गए, और आप हैरान हो गए सुन के, जहां पर इंस्टॉल भी किए गए हैं वो फंक्शनल नहीं है, डिफंक्ट पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ। और यहां तक एक बड़ी मामूली सी चीज है नीडल कटर, वो भी हर वार्ड में अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ही एक मैंडेटरी होती है हॉस्पिटलों में, और उसके बावजूद ये देखा गया है कि इनकी जो हमारा जनरेट करते हैं हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, जो जम्मू में कम से कम 4 टन के करीब जम्मू में बायोमेडिकल वेस्ट
जो जनरेट किया जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन करके जो इनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो सिर्फ 400 kg के लिए है। बाकी का वेस्ट कहाँ जाता है? ओपन में जाता है, रैग पिकर्स उठा के ले जाते हैं, तभी के तभी में फेंक दिया जाता है, जो मैं समझता हूँ आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करता है लोगों की लाइफ के लिए, बड़ा थ्रेटनिंग होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होती है इन चीजों से। तो सरकार के लिए मैं समझता हूँ जो चीज प्रायोरिटी के क्षेत्र है वहां भी सरकार उन चीजों को प्रायोरिटी में नहीं लेती। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट को चाहिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल आज तक करने के लिए। ये जहां पर हॉस्पिटल्स हैं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल भी नजदीक है, शालाबार का हॉस्पिटल भी ज्यादा दूर नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, लेकिन इसके आसपास देखें तो पूरा आबादी वाला इलाका है, मार्केट्स भी हैं, लोग भी रहते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉपर जगह नजर नहीं आती। ये इतना वेस्ट जो अभी हो रहा है ये जाता कहाँ पे, ये डंप कहाँ पे हो रहा है? देखिए मैं देख रहा था, मैं सब जगह ये काफी देर से स्टडी कर रहा हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले 2014-15 से लेकर लगातार आज तक इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी इनको लेटेस्ट कल फिर इनको नोटिस आया है, ये अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते, क्योंकि एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इनके पास प्रॉपर डिस्पोजल ही नहीं है, जब इनके पास सेग्रीगेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, रैग पिकर्स उठा के ले जाते हैं, तभी के किनारों में ह्यूमन ऑर्गन्स आपको मिलते हैं, जिसे हम ह्यूमन एंटोमोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं, वो चीजें बाहर तभी के किनारे में मिलते हैं, वो हमारे कई बार जानवर हमारे डॉग्स वगैरह उठा के उसको ले जाते हैं, जो कॉलोनीज के बीच में लाके ले जाते हैं। ये इसको सोचना चाहिए कि ये कितना सीरियस थ्रेट। आखिर में एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जहां तवी की बात हो रही है तो हम अभी बात कर रहे थे कि एक लाख से ज्यादा की आबादी है जिस तक पानी भी पहुंचता है, तो यहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महकमा जल शक्ति की नहीं बनती, वो कम से कम बात करें कोई ज्यादा दूर ये मेडिकल कॉलेजेस या दूसरे अस्पताल तो नहीं है? देखिए एक वजह इसकी ये भी है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन से ही ये मसले हल हो सकते हैं, लेकिन इनके मैं समझता हूँ इनकी आपस में इनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पे किस किस्म का वेस्ट कहां पर रखा जाए, किस किस्म का वेस्ट कहां पर किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है, जिस वजह से जल शक्ति बोर्ड का भी ये इसमें बहुत बड़ा रोल आता है, लेकिन इनकी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आज तक लोग सफर कर रहे हैं। मैं समझता हूं लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा ये खतरा हो सकता है, लेकिन सरकार को मैं चाहिए, मैं फिर सबमिशन करता हूं सरकार को इन चीजों को। बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जीके में और अपनी बात रखने के लिए। चलिए ये तो अस्पताल का हाल था कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और सरकारी हुक्मनामों की किस तरीके से खिलाफ वर्जी हो रही है, क्यों सरकार इसकी ओर नहीं देख रही है, जबकि ये मामला इंतहाई अहम और संगीन भी है। एक बड़ी खबर डेवलप हो रही है, थोड़ी देर में हम आपको वो जरूर बताएंगे, अगर उसकी कंफर्मेशन हमें मिलती है एक बड़ी खबर के तौर पर वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बात जरा करते हैं सरकार के एक और फैसले की, और जब हम सरकार के फैसले की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कल हमने आपके साथ बात की थी, तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के महकमे हैं उनको जम कर दिया गया है R&B महकमे के साथ, और R&B महकमे के साथ जम करने का मतलब ये था कि एक ही छतरी के तहत हर एक डेवलपमेंट काम जो है वो हो जाए। एक तरफ से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकारी तौर पर फैसला जी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो इस फैसले के अंदर की कहानी भी आपके सामने आएंगी, और क्योंकि उसी ऑर्डर के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो इंजीनियरिंग का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया था, उनकी तरफ से भी एहतजाज किया गया, क्योंकि तकरीबन 15,000 के करीब सेल्फ हेल्प इंजीनियर जो है वो कल नौकरियों से अपने हाथ धो बैठे जब सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है। और हुक्मनामे पर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये जब UT एडमिनिस्ट्रेशन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरों को एबॉलिश कर दिया और कहा कि देखिए ये कोटा उनका जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, अभी तक जो कोटा उनका था वो तकरीबन 30% था, जो 15,000 नए अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो थे वो अपना रोजगार कमाते थे R&B PMGSY PHE PDD RED और दीगर महकमों के अंदर, लेकिन कल जब ये एक हुक्मनामा आया ऑर्डर नंबर 752 GAD का 2020-10-8-2020, उसमें कहा गया कि एबॉलिश कर दिया गया है कोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और बेरोजगार इंजीनियर जो यूटी के अंदर थे वो मर्जर हो गया है जी विंग का, अब इसलिए कोई भी अलहदा तौर पर कोई काम जो है वो नहीं दिया जाएगा। पहले जब ये स्कीम लाई गई थी SHG स्कीम लाई गई थी तो 20% का कोटा रखा गया था,
फिर 2017 में महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुकूमत थी तो 30% कोटा जो था वो इसमें रख दिया गया था, और इससे तकरीबन 5 से 10 साल हो गए थे अब जब इंजीनियर इसके साथ जुड़े हुए थे और अपना रोजगार जो थे वो कमाते थे, तकरीबन 15 साल हो गए थे। अब 15 साल के बाद उनके लिए दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आसिफ बशीर सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर हमारे साथ एक है, जरा पहले इनकी रिएक्शन सुनते हैं, उसके बाद अपने दोनों नुमाइंदों के पास श्रीनगर चलेंगे क्योंकि श्रीनगर के अंदर काफी ज्यादा गहमा गहमी इसको लेकर जो है वो देखने को मिल रही है। आसिफ बशीर, सरकार के फैसले को कैसे आप देख रहे हैं, कब से आप नौकरी में थे और क्या कुछ अब आप करने जा रहे हैं? जी, हम 15 सालों से इस स्कीम में थे, जबकि जब ये स्टार्ट हुई थी तब हम अच्छे जॉब्स कर रहे थे, गल्फ में थे और यहाँ पर भी बाहर भी अच्छे कंपनीज में थे, लेकिन आफ्टर दैट हमने ये छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कीम की सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो हमने सोचा कि हम खुद ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और दूसरों को भी इसमें काम में शामिल करेंगे। तो 15 सालों से ये काम चल रहा था, हमने बहुत मेहनत की थी हर किसी डिवीजन में काम एग्जीक्यूट करने में, अपनी ये बनाने में। आज परसों 10 तारीख को जो ऑर्डर मिला तो हम लोग शॉक में हो गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। हर किसी चीज में टाइम लगता है फील्ड बनाने में, और 15 सालों से हमने इस फील्ड में टाइम बनाया था, फील्ड बनाया था, हर किसी जगह डिपार्टमेंट में अपनी छवि बनाई थी। आसिफ, ये बताइए, सरकार ने जब ये फैसला लिया तो क्या उस वक्त आपकी कोई बातचीत नहीं हुई आप लोगों के साथ, जब ये कानून, जब ये मर्जर की बात आ रही थी तो क्या आप लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की थी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? जी, हमारा कोई कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। लास्ट टाइम भी हमारी मीटिंग थी यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो हमारा पेरेंटल है, जहाँ पे हमारे कार्ड्स रिवैलिडेट होते हैं, हर साल होते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ पे रिव्यू मीटिंग होती है, तो वहाँ पे भी हम गए थे कुछ दिन पहले रिगार्डिंग हमारे कुछ काम के मुतालिक कि हमें यहाँ इस डिपार्टमेंट में काम नहीं निकल रहा है। फिर वो वहाँ पे वो उनको लेटर भेजते हैं कि वहाँ अपना कोटा निकालने के लिए, उनको भी कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और जब भी 10 तारीख को हमने सुना कि सारी ये डिपार्टमेंट विंग्स एक साथ हुई है, उसी में हमारा एक लाइन का ऑर्डर निकला है कि अबॉलिश किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बता रहे थे पिछले 14-15 साल से वो ये काम कर रहे थे, बेरोनी रियासत से अच्छा काम कर रहे थे, सरकार ने स्कीम लाई, हम सरकार के अंदर काम करना चाहते थे, स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन एक लाइन की वजह से जो ऑर्डर के अंदर आई उससे 15,000 लोगों की नौकरियां जो है वो चली गई। अब ये 15,000 नौकरियां 16 साल से जब आप देखेंगे तो ये 15,000 फैमिलियों को आप देखिए कितने लोगों पर इसका बुरा असर जो है पड़ेगा। सईद फारूकी भी हमारे साथ और सईद तजम्मुल भी हमारे साथ। पहले सईद तजम्मुल, फटाफट से जरा आपके पास आऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस काफी ज्यादा इस पर आ रही है और माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बड़े फैसले ले रही है मशावरत के बिना, उसके संगीन नतीजे जो है वो निकल सकते हैं। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने टाइम कम ऑफ तमाम पार्टियों ने इस बात की जबरदस्त अल्फाज में मदमत की है कि ये फैसले अवामी सरकार में लिए जाते हैं। और एक अहम डेवलपमेंट इसके अलावा, जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंजीनियरिंग विंग की बात करते हैं तो एक और नोट कर दिया गया है, हालांकि उसमें हाईकोर्ट का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था वो दायर था, कि जो अब जहलम किनारे पापोर के किनारे रिहाइश पर जी लोग हैं उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां से निकलना होगा, क्योंकि कहते हैं कि इंक्रोचमेंट की वजह से नदी नालों का पानी बाद में दूसरे इलाकों में जाता है। इसी बीच में सियासत बहुत सरगर्म है और सियासतदान ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियरों को हमने उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए, उनके तजुर्बे को यूटिलाइज करने के लिए और इंजीनियरिंग और कंट्रैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है उसको मजीद बेहतर करने के लिए गलत यूएसए और बाकी कंट्रीज से इनको यहां मदू किया। 25-30% रिजर्वेशन के साथ जब उन्होंने काम शुरू किए तो उन्होंने पाए तकबीर तक पहुंचाए और उन्होंने सिर्फ फंड्स वगैरह बैंक वगैरह से इनकी मदद भी काफी की गई, लिहाजा ये जो लोग थे ये टेक्नोक्रेट थे, पढ़े लिखे थे और ये समझ सकते थे कि एक ब्रिज को बनाने, एक हॉस्टल की बिल्डिंग को बनाने में कितना ज्यादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये फैसले हैं सरकारी तौर पर जो लिए गए हैं, इसमें मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिन में इसमें अमेंडमेंट भी आ सकता, तब्दीली आ सकती है, लेकिन ये जो फैसले लिए गए हैं ये मुझे लगता है कि सिन्हा साहब के कश्मीर आने से पहले जीसी मुर्मू ने लिए थे। और अब ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियरिंग स्टाफ है ये लोग कहते हैं कि अब हम मनोज सिन्हा से अपील करते हैं LG से कि मुर्मू साहब की इस पॉलिसी को खत्म करें। आऊंगा तो जमीन आपके पास सही दूसरा फटाफट से ये भी बताइएगा, अभी जो हमारे पास डेवलप यहाँ पर खबर हो रही है इस हवाले से वो ये है
कि जहां एक तरफ से बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे हो रहे थे, वहीं मर्जर के ऑर्डर में ये कोटा एबॉलिश करना कितना बड़ा नुकसान है इन लोगों के लिए, क्योंकि अब ये मान रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ 15,000 या 16,000 लड़के नहीं है, ये 15,000 फैमिलियां हैं जिन्हें आपने सड़क पर आज खड़ा कर दिया है। देखिए गवर्नर, अगर हम पास्ट में जाए तो जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी है या डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, उन्होंने उनकी वजह से भी इनको काफी परेशानियां हुई है, चाहे हम काम के हवाले से बात करें या वर्क कल्चर के हवाले से बात करें, क्योंकि उस वक्त की सरकार ने फैसला लिया था वर्क कल्चर को बढ़ाने के हवाले से इन लोगों को जो अपॉइंट किया गया था और इनसे काम लेने की बात कही गई, मगर बार बार जो भी हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट उनके बीच में तालमेल ना होने की वजह से भी मसले बन जाते थे। और फिर यहाँ पे सरकारें थी, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या PDP की बात करें, यहाँ पे सरकारें थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, MLAs थे, उनकी वजह से शायद जो ऑफिसर्स हैं उन पर वो ज्यादा हावी नहीं रहते थे या कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें इंटरवेंशन था सरकार का कि इन लोगों को काम देना है, इनको एडजस्ट करना है और इनसे काम लेना है। अब जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहे हैं, कोई सरकार नहीं रही है, तो इस वजह से अब ये फैसले आने हैं, क्योंकि जहां हम नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, इनके पहले ही ये फैसला लिया गया था, जहां पे आपने इशारा दिया कि जो भी इंजीनियरिंग विन है उनको सबको मर्जर किया जाएगा R&B के साथ, तो इस वाले से भी काफी बातें हो रही है, क्या डेवलपमेंट मर्जर किया गया, क्या ये पॉसिबल है कि अब उस रफ्तार से काम होगा और स्ट्रीमलाइन हर एक काम होगा, जब आपने सबको मर्जर कर दिया एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, अब R&B मुश्किल देखेगा? देखिए मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स है जिनसे मेरी बात हुई है इस हवाले से, वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है अब उस तरह का जो सरकार कह रही है कि स्पीड अप वर्क करना, क्योंकि R&B के पास ऑलरेडी मेन पावर कम है, एक चीफ इंजीनियर के माथत इतने सारे इंजीनियर्स को लाना, इतने सारे लोगों को लाना, फिर कहना कि हम वर्क कल्चर को प्रमोट करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और जो ठेकेदारों की बात करें, जो एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स हैं उनकी बात करें, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा मुश्किल है, अगर सरकार को ये फैसला लेना भी चाहिए, जो 12 डिपार्टमेंट्स को अलग किया गया है, इनके लिए एक अलग से पैरेंट डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है, अलग चीफ इंजीनियर रखने की जरूरत है, शायद जो इन्हीं 12 डिपार्टमेंट्स पे फोकस करे, क्योंकि R&B के पास अलग से अपना काम भी है और फिर एक्स्ट्रा ये काम भी है, बड़ा मुश्किल है, जिस तरह सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट के लिए हम ये स्टेप उठा रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब COVID-19 की खबर हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल रखेंगे तो आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब कोविड की बात करते हैं तो अस्पतालों की सिचुएशन पर गुफ्तगू करना काफी ज्यादा जरूरी है। डिटेल बताएंगे आसिफ आपको और कोशिश करेंगे कि बड़े 5-6 मिनट में इस खबर को वाइंड अप करके फिर आपकी फोन कॉल्स को भी लेना हम शुरू करेंगे। जी कोविड की खबर बताइए, उसके बाद जरा हम फोन कॉल्स भी लेंगे। बिल्कुल, जो नए केसेस मुल्क के अंदर आए हैं थोड़ी देर में वो भी आपके सामने रखेंगे, सरकारी आदादोशुमार जो है वो 24 घंटों की सूरत हाल क्या रही मुल्क के अंदर वो आपके सामने रखें, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी 26,000 तक केसेस जा पहुंचे हैं, 26,000 की तादाद इस वक्त क्रॉस हो चुकी है और मजीद अमवाद के साथ इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंगली 507 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यानी 500 का फिगर जब यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्रॉस हो चुका है। और अच्छी खबर यह है, पॉजिटिव डेवलपमेंट जो बार बार हम कह रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर जो कल तक 67.3% तक जो रिकवरी रेशियो था, सेहतियाब होने वालों की तादाद थी या जो शराब पहुंची थी, वो इस वक्त बढ़कर 70% तक पहुंची है, जो एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से है, कम से कम केसेस की जहां तक सवाल है, केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से 400 से ज्यादा केसेस, 100 प्लस जम्मू से, वादी कश्मीर से 300 से ज्यादा केसेस, इनमें फिर श्रीनगर जिला भी सुर्खियों में है, जहां पर नंबर ऑफ केसेस इस वक्त कश्मीर वैली में सब डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि जो तैयारियां लगातार चल रही हैं वैक्सीन को लेकर, उसमें एक और डेवलपमेंट हुई है। कल 2 दिन पहले जहां पर रूस की तरफ से वैक्सीन तैयार करने को लेकर बात की गई थी और दावा किया गया था कि उनने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, इस सिलसिले में भारत में एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये वैक्सीन यहां पहुंचेगी या अगर पहुंचती है तो कितना जल्दी काम करेगी। लेकिन उससे पहले यहां भी सरकार की तरफ से एक पेशरफ्त इसमें की गई है, एक जो पैनल गुज़श्ता दिनों तश्कील दिया गया, कमेटी बनाई गई कि तमाम स्टेट्स के साथ मशावरत करके ये कमेटी, जिसके नीति आयोग के जो एक हेड है वो इसके मेंबर नीति आयोग के, वो इसके हेड होंगे, इस कमेटी के इस पैनल को लीड करेंगे, उनकी सरबराही में जब मीटिंग हुई, कल पहली मीटिंग थी इस पैनल की, और COVID-19 वैक्सीन मुल्क के अंदर जो तैयार करने की बात हो रही थी 15 अगस्त तक, वो अगर तैयार होती है, यानी 1-2 दिनों के अंदर कोई बड़ा ऐलान होता है, तो मुल्क के अंदर तकसीमकारी का अमल जो है अस्पतालों के अंदर, स्टेट्स तक, यूनियन टेरिटरीज तक, गवर्नमेंट्स तक, कैसे ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, कहीं पर कोई नुकसान ना हो, एक चीज ये सामने रखी गई है। दूसरी, इस वैक्सीन की जब लॉन्च की जाएगी, मंजूरी हिंदुस्तान के अंदर अगर दी जाती है, इसको अप्रूव कर दिया जाता है,
तो इस वैक्सीन को कब तक कामयाब करार दिया जाएगा, यह इस पैनल पर जिम्मेदारी है कि वो इस पर हतमी नपाए जाएंगे। क्योंकि अगर किसी को डोज दिया जाता है तो कम से कम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 14 से 17 दिन तक लगेंगे उसके नतीजे सामने आने पर, जब भी किसी को कोई इंजेक्शन किया जाएगा, यानी वैक्सीन को लेकर जो तैयारी थी उसे लेकर एक पेशरफ्त की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर की जब बात हो रही है तो ये भी आपको बताते चलें कि प्लाज्मा थेरेपी जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिलसिला शुरू हुआ था, तो डायरेक्टर स्किम्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों ने अब तक प्लाज्मा जो है वो अत्या किया है। और प्लाज्मा थेरेपी एक बड़ा कदम इस वक्त कश्मीर वादी के अंदर भी जो लोगों की जान बचाने में कामयाब हो सकता है। और मजीद लोगों को कहा गया है कि वो जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए आगे आए। देखिए जहां तक कोविड की हम बात करें तो 8 लोगों की मौत कोविड की वजह से वादी कश्मीर के अंदर हुई है, और कल भी 500 के करीब टेस्ट जो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल जब हम पॉजिटिव केसेस की बात करें तो जीएमसी श्रीनगर के अंदर सीनियर प्रोफेसर समेत 300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए, एक आईपीएस ऑफिसर समेत 2 डॉक्टर, 8 श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्टाफ मेंबर, कुल मिलाकर 106 लोग जम्मू सूबे के अंदर जो है वो पॉजिटिव पाए गए। 9 लोग क्रिश्चियन कॉलोनी 3 नानक नगर की फैमिलियां इफेक्टेड पाई गई, राजभवन के ड्राइवर और पुलिस पोस्ट के एक इंचार्ज को भी कल पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। तो इस तरीके से वो कोई भी शहर या गाँव नहीं है जहां पर आपको कोविड के पेशेंट नहीं नजर आएंगे। और जब रिकवरी की बात करेंगे तो आसिफ ने आपको पहले कहा कि रिकवरी रेट थोड़ा सा बेहतर हुई है। ताम यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो 41 नए केस कोरोना पॉजिटिव वहां पर आए हैं, जिनमें 22 ले और 19 करगिल के साथ सामने आए हैं। कॉलर्स का आना भी शुरू हो गया, बड़ी खबर भी आ रही है, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद श्रीनगर ब्यूरो के साथ भी बात करेंगे कोविड के हवाले से, क्योंकि एसएमएचएस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। जी प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी कौन सब, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? जनाब मेरा नाम रफीक अहमद शाह, मैं बागड़ा बरसला से अर्ज कर रहा हूं। जी रफीक साहब बताएं। जनाब हमारा अर्ज यह है, हमें 4 साल हो गया, मतलब ये तो बागात एरिया, ये तो वीआईपी रोड एरिया माना जाता है, मगर ये खालिदा आबाद में है, मतलब 300 फुट मतलब हमारा गली जी। हमारे यहाँ मतलब बूढ़े बच्चे मतलब साहब शाम को मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ मतलब ड्रेन वाले आए 4 बार, इन्होंने मेजरमेंट किया जी, तो 4 बार मतलब मेजरमेंट किया, हमको 3 साल चलते चलते हो गया, परसों कोविड की वजह से हम जा नहीं पाते हैं वहां। अब तो इन्होंने मतलब कॉल बोलते हैं, सुबह सुबह बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, परसों इनकी तरफ से किया गया था यूएडी। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, यूईडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है मेजरमेंट तो की जा रही है, काम बड़ा सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, बल्कि हुआ ही नहीं है, शिकायत है लोगों की, देखा जाए इसकी ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, श्रीनगर के शहर की बात है जी। एक और कॉलर दे दीजिए फटाफट से जी। जी कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सईद मुजम्मिल, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के तहसील टंगमर्ग से बात कर रहा हूँ मैं सर। जी मुजम्मिल साहब बताएं। जी सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है, तो मतलब आम लोगों के लिए एक मतलब इजी रीच होता है अपनी फरियाद आगे पहुंचाने। जी बिल्कुल बताइएगा आप। जी हमारा मसला यह है, हमारा रोड पिछले 60-70 सालों से था, हमारा रोड तो आरएनबी के अंदर था, तो कभी उसमें काम ही नहीं होता था। अब हमने थोड़ा बहुत एक अप्रोच किया था इस्तेमाल, तो वो पीएमजीएस के अंदर आया था रोड, तो पिछले महीने उस पर काम भी आया था मैग्नमाइजेशन का और वाइडनिंग का, ठीक है। तो जब ठेकेदार साहब ने काम उसमें स्टार्ट किया, 2-4 दिन उसने लगाई काम, मटीरियल भी डाला, ये तो क्या है कि डीएफओ टंगमर्ग आ गए सामने, उन्होंने उस पर स्टे लाया, बोला कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो तब से उस रोड पे कंटिन्यूअसली स्टे है। अब मतलब ये है हमारा रोड तब से पूरा ब्लॉक है, पत्थर डाले है उसने ठेकेदार ने, हम डीएफओ साहब के पास गए, उन्होंने बोला ये फॉरेस्ट लैंड है, मैं अलाउ नहीं करूंगा इस पर काम, तो ठीक है, उसने बोला आप ऐसी पीएमजीएस के पास जाओ, हम गए उधर, उसने बोला आप डीएफओ के पास जाओ, अब हम बीच में पिस रहे हैं, एक भेज रहा है डीएफओ के पास, एक भेज रहा है एसपी साहब के पास, देखिए हमारा मसला हल ही नहीं हो पा रहा है। चलिए आपकी बात आ गई है, मुझे उम्मीद है कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि बड़े एक्टिव है वो, और एसडीएम साहब भी काफी एक्टिव रहते हैं 24/7, इस इशू को जरा देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। एक और कॉलर फटाफट से दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
गवर साहब, मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ, से छानपुर से। जी 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 सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में SGF के तौर काम कर रहे हैं। अच्छा, और इतने महीनों से हमारी सैलरी दुर्गी हुई है, और हम मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टर साहब से या हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये खाली एक सवाल कीजिए कि SGF एम्प्लॉयज के लिए आपके पास कोई पॉलिसी है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो इनको बरतरफ कीजिए, वही ठीक रहेगा। कब से आपकी सैलरियाँ नहीं मिली हैं जी? जी अप्रैल से। सैलरियाँ कब से नहीं मिली, तनख्वाह कब से? अप्रैल से आपकी तनख्वाह नहीं आई है। नहीं, काम कर रहे हैं लगातार एज पर रोस्टर हम काम कर रहे हैं, हर 2-3 दिन के बाद हमारी ड्यूटी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। 4 माह से काम कर रहे हैं महकमा सेहत के अंदर, लेकिन तनख्वाह नहीं मिली है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कोशिश करेंगे कि आज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के साथ ये इस मसले को उठाएं और पता करें कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को सैलरियां नहीं मिली। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, हेलो जनाब, हम पापोर से बोल रहे हैं, पापोर कदलावर से, पीर गुलजार अहमद जी। हमारा गली एक है 600 से 800 फुट तक जी, 20 साल से मैग्रेशन नहीं हुए उस गली में। अच्छा जी, तो आपकी तरफ से कोई दरख्वास्त दी गई थी SDM ऑफिस? एक बार गए थे हम RNB वालों के पास गए थे, वो तालनेरे कमेटी के पास गए थे, उनमें वो बोल रहे थे हाँ प्लान में रखा था मगर ये साल भी खत्म होने वाला है, तो सर ने कहा। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, शुक्र कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि प्लान में रखा है, तो उम्मीद करें कि प्लान में रखा कि पैसे भी आए इस साल और काम भी हो, क्योंकि बड़ा पैसा मरकज की तरफ से दिया गया है इस बार ब्लैक टॉपिंग के लिए। एक और कॉलर जी दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम फारूक अहमद कुट्टे है जी। बड़गाम में एक गाँव है, उसका नाम है राखाई जी। राखाई ये इलाके आरेजाल में पड़ता है, इससे ऊपर एक टूरिस्ट प्लेस है दूध पर से हमें पानी आ रहा है। एक दफा हमने एहतियात किया कि हमारे गांव में पानी नहीं है, डिपार्टमेंट से हमने बात की कि पानी है नहीं, पानी को क्या हो रहा है, ऊपर से टंकी लगा हुआ है एक जगह पे, वहां से उन्होंने 3 पाइपें निकाले, वॉशआउट पे गांव को दे दिया पावर पानी, तो जो रखाई है उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है, 1 घंटे 10 मिनट आधा घंटे पानी आ रहा है, उसके बाद पानी नहीं। डिपार्टमेंट से हमने की हाई रखा कि हमने की बात, लेकिन उन्हें बोला कि हम उसको कुछ करेंगे, आपके लिए बंदोबस्त नए पाइपें लगाएंगे, अभी तक पाइप नहीं लगाए उन्हें, किया तो बोला कि काम हमने किया उस पर, तो अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। डीसी बड़गाम और जो एक्शन बड़गाम PHE उससे हमने की बात, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं है, गांव बहुत परेशान है पानी के लिए, तरस रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। उसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, दूध पथरी से दुनिया भर को पानी मिलेगा लेकिन पास के गांव को पानी नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और पॉलिसी मेकर्स किस तरीके से ये सारा निजाम चलाते हैं, बड़ा सवाल है। गुस्सा आप देख रहे थे, आवाज से ही लग रहा था कि पानी नहीं है जी। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, हम रावलपुरा वानबल से बोल रहे हैं, मोहम्मद लतीफ जी। लतीफ साहब जी सर, एक्चुअली हमारी यहाँ 2003 में हमारी कॉलोनी बन गई है। अच्छा ठीक है सर, अब आज तक 17 साल हो गए, अभी तक हमारे इस कॉलोनी को मैगनमाइज नहीं किया है। ये आपने प्राइवेट कॉलोनी बनाई थी या सरकारी कॉलोनी थी? नहीं सर, ये तो मतलब सरकारी कॉलोनी है सर। ओके, सरकारी कॉलोनी है और ड्रेनेज बना है सर? ड्रेनेज का निजाम है? ड्रेनेज का निजाम भी है, वो मतलब वो भी अब ऐसे ही पड़ा हुआ है सर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। श्रीनगर शहर की सूरत हाल इस तरीके की, और कल यही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बता रहे थे कि हमें जायजा लेना चाहिए कि हमने किया क्या है। दूरदराज गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर के अंदर की सिचुएशन, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन ये है जो अभी ये भाई साहब कॉल पर थे। एक और कॉलर दीजिए, लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, अपना नाम बताएं, कहां से? गुलाम मोहम्मद जी, बताएं क्या परेशानी है? हमें रोड का मसला है, TMG भाई रोड, ये 4 साल से चल रही है, उसकी कंजेस भी हुई, वो उसको वो मेटरिंग डालने के लिए तो डाल नहीं रहे, ठेक डाली काम। गुलाम साहब, कौन सा इलाका है आपका? ये वागुरा ब्लॉक है, दुर्गुग हल्का। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चलिए जी, ये तो फटाफट से कुछ कॉलर्स थे जो हम ले रहे थे। चलिए एक लास्ट कॉल को दे दीजिए, कहा जा रहा है कॉल है, इस लास्ट कॉल को दे दीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम सर, मैं अशोकाम पहलगाम से, पहलगाम खाकी बात कर रहा हूँ जी।
सर मैंने इससे पहले भी आपको अर्ज किया था कि जो ये मैट्रिक के जो बैकलॉग स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला था जी, ड्यू टू कोविड उनका एग्जाम नहीं हुआ है, उन्होंने फीस भी भरा है लेकिन उनका तो डेढ़ साल जाया हो रहा है, ना गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही कि उनको मास प्रमोशन हो जाएगी या उनका एग्जाम हो जाएगा, कुछ भी वो परेशान है, ट्रोमा में है वो बच्चे। देखिए कल भी ये मामला जो है हमने उठाया था मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारों के साथ, हमने अश्योर किया कि एक दो दिन के अंदर एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी लेकर वो आएंगे, क्योंकि आपने हमारे जाती नंबर पर कॉल किया था, मैंने उसी वक्त इस इशू को भी टेकअप किया है, आज आपने खुद कॉल किया और मुझे उम्मीद है कि अरबाब इख्तदार जो है वो इस इशू को देखेंगे। एक बच्चे का मामला नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस ट्रॉमा के शिकार है, एक तरफ से कोविड है, दूसरी तरफ से उन्हें ये नहीं पता कि उनके अगले साल का मुस्तकबिल क्या कुछ होगा, कहाँ की ओर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है। तो कॉलों का सिलसिला यहां रोक देते हैं। खबर आ रही है जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा उसकी और भी जरा देख लेते हैं कि क्या कुछ है। चलिए बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से आ रही है, जहां पर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के दौरान बताया जा रहा है कि बिल्टन टू की एक कमीनगाह को तबाह किया गया है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से, जहां पर बारसो अवंतीपुरा में बिल्टन टू की कमीनगाह तबाह की गई है। ऑपरेशन जो मुश्तरका तौर पर यहां शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और फौज की तरफ से, इस इलाके के अंदर घेराबंदी की गई और बताया जाता है कि मुसद्दका इतलात मिली थी, जिसके बाद इस इलाके के अंदर घेराबंदी की गई और एक बारसो अवंतीपुरा पुलवामा का इलाका जहां पर फोर्सेस को यह कामयाबी मिली है, बिल्टन टू की कमिंगा तबाह हुई है और अभी तक जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं इस हाइडआउट से। चलिए जी, ये तो बड़ी खबर थी जो हम आपको बता रहे थे, लेकिन साबिक सदर प्रणब मुखर्जी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं उन अफवाहों को हम रोक देते हैं, क्योंकि खबर अब कंफर्म होकर हमारे पास जो आ रही है, अभिजीत मुखर्जी की तरफ से ट्वीट सामने आया है और अभिजीत मुखर्जी जो फर्जंद है प्रणब मुखर्जी के, साबिक सदर हिंद के, उन्होंने कहा कि जरूर उनका ऑपरेशन हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव है, रेफरल हॉस्पिटल के अंदर जेर इलाज है, कोमा के अंदर है लेकिन फिलहाल जिंदा है। इधर डॉक्टरों का मानना है कि उनका जो रूटीन सिस्टम है, जो रेस्पॉन्स सिस्टम है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। तो जो लगातार सुबह से खबर आ रही थी कि शायद उनका इंतकाल हुआ है, उसमें साबिक सदर प्रणब मुखर्जी के हवाले से कहा गया कि लगातार वो कोमा के अंदर तो है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, लेकिन फिलहाल वो जिंदा है, ये अभिजीत की तरफ से भी बात कही गई है और आर्मी रेफरल अस्पताल की तरफ से भी थोड़ी देर पहले जो है बात कही गई है। तो ये बड़ी भी इंपॉर्टेंट बात है। एक आखिरी बात के लिए, जब हम कोविड की बात कर रहे थे तो बात यहां पर यह भी सामने आ रही थी कि श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के अंदर बहुत ज्यादा कमियां जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि प्रेशर और रश सबसे ज्यादा वहां पर बढ़ रहा है। सोहरा के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल है जहां पर कोविड 19 के बीमारों का इलाज हो रहा है, न सिर्फ कोविड के बीमार बल्कि रूटीन के बीमारों का भी वहां पर इलाज हो रहा है और हर एक शोभा जो है वो काम कर रहा है। इस बीच खबर यह है कि ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ पीने के पानी की किल्लत, कल हमने आपको दिखाई थी, आज दोबारा से ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो काफी ज्यादा वहां पर पाई जा रही है और ऑक्सीजन को जो मेंटेन लोग करते हैं, जो सिलेंडर के जरिए से ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि हर जगह पर पाइप वहां पर नहीं है जिस पाइप के जरिए से ऑक्सीजन बीमार को दिया जाए, और जब वहां टेक्निकल स्नैग आता तो सिलेंडरों के जरिए से ऑक्सीजन बेडों तक पहुंचाया जाता था, उसके लिए जो मैन पावर होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। मनोज सिन्हा साहब ने जब दौरा किया था तो उस वक्त भी यह खबर आई थी और कल दोबारा हंगामा भी इस अस्पताल के अंदर जो है वो हुआ है और बीमारों और तीमारदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजामिया कोशिशें तो कर रही है लेकिन अरबाब इख्तदार जिनको जो फाइनल अथॉरिटीज है शायद वो इसकी तवज्जो और इसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। सही ग्रुप फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि न सिर्फ एसएमएचएस, सोहरा की भी यही सूरत हाल है और चेस्ट डिजीज के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए गवर, अस्पतालों के हवाले से आए रोज यहाँ पे शिकायतें होती रहती है और लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज है यहाँ के सिस्टम से, खासकर अगर हम कोविड के हवाले से बात करें। आपने एसएमएचएस की बात की, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से बात की, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये जो तीमारदार होते हैं बीमार के साथ उनको खुद ही लाना पड़ता है और फिर वार्डो में रख के, और फिर ये भी हमारे पास खबर है कि लगाने के लिए बार बार जाना पड़ता है कि ये भाई
पेशेंट को दे दो, इनको मजबूरी है। तो इस तरह के जो हालात बने हुए, तो मैंने जो मेडिकल स्टूडेंट है वहां के उनसे बात की, उन्हें कहा देखिए मेन पावर हमारा जितना भी है हमने उनको यूटिलाइज करके रखा है, अब जितना रश हमारा बढ़ रहा है, जितने पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उसके लिए काफी और मेन पावर की जरूरत है। जितना हमारे पास है हम कोशिश कर रहे हैं उसके जरिए से लोगों को हम फायदा दे सके, मगर काफी ज्यादा परेशानी है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, वहां के मुतलका जो काम है उनको भी, डॉक्टर्स को भी, सबको भी, क्योंकि तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा फोकस अगर हम सोरा के बगैर बात करें तो एसएमएचएस पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि एसएमएचएस जाना, तो इस वजह से मुश्किलात उनको भी है, मगर बीमारों को भी काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही है वहां पे, जिस तरह की खबरें बाहर आ रही है। बहुत शुक्रिया सही सैदुल उमर साहब ज्वाइन करने के लिए। लेकिन चलते चलते आपको यह भी बताते चले कि मरकजी हुकूमत की तरफ से फिगर जारी कर दिए गए हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के कितने पेशेंट है, 67,000, टचिंग 67, एक पेशेंट को अगर आप और डालेंगे तो 67 पूरे हो जाएंगे, ये 24 घंटों के दौरान आए हैं जी। 940 से ज्यादा लोगों की 24 घंटों के दौरान मौत हुई है, ये आंकड़े मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ये जो फिगर्स हम आपको एंड में बताते हैं, सिर्फ हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाना है, तिजारत को भी चलाना है, मईशत के अंदर मामलात को भी दुरुस्त करना है, लेकिन ये सारी चीजें तभी मुमकिन होंगी जब आप रुबसेहत रहेंगे, जब आप इस वायरस से दूर रहेंगे। अब घर बैठे ये मामला नहीं चलेगा, अनलॉक हो गया है, और अनलॉक होने के दौरान आपने दो तीन चीजों का काफी ज्यादा ख्याल रखना, मास्क किसी भी कीमत पर नहीं उतारनी है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और दो गज की दूरी इंपॉर्टेंट है, जो शहर के अंदर जम्मू और श्रीनगर शहर के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। प्राइवेट गाड़ियों के साथ साथ जो सरकारी गाड़ियां भी चल रही है वहां पर किस तरीके की सूरत हाल है वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो दिल्ली बैठे ही एसेस कर सकते हैं कि सिचुएशन किस तरीके की जा रही है, आप ग्राउंड जीरो पर है, इसलिए फैसला आपने खुद करना है, मास्क या वेंटिलेटर, घर का बेड या अस्पताल का बेड, फैसला आप कीजिएगा क्योंकि जिंदगी आपकी है। मुझे और आसिफ को देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अपनी दुआओं में हम सबको रखेंगे याद, कल सुबह 8:30 होगी मुलाकात, जरा खुदा लाया।